हेलो फ्रेंड्स, एनडीए इवनिंग 4 शाम 4 बजे की क्लास में स्वागत आपका। मैं हूं सुनील सर। वादे के मुताबिक लेकर के आया एक नई सीरीज, बिल्कुल आप ही की रिक्वेस्ट पर, आप ही की फरमाइश पर। दोस्तों, मुझसे कहा गया था कि सर बीच बीच में एरर फाइंडिंग करवाते रहें, बंद न करें। मैंने कहा था बिल्कुल भाई, अब हमें इस उम्र में कुछ नहीं लेना देना, आप जो कहेंगे हम वो करवा देंगे। ये सुनील सर, जिनको सुनील कुमार के नाम से भी जानते हैं, और अनअकैडमी पर अगर इनको आप फॉलो करेंगे, लिख के दे रहा हूँ, आज से पूरे 365 दिन 365 डेज इतनी रहमत बरसेगी घर पे कि कोई घर सिलेक्शन से बाहर नहीं रहेगा। हर घर सरकारी, हर घर अधिकारी, मेरी चैलेंज है। चलिए सर, आगे चलते हैं। ठीक है, अनअकैडमी मुझसे मिली, 365 दिन मेरा सेशन चलता है, खोज लीजिएगा सुनील कुमार के नाम से। कैसे ये मैं नहीं बताऊँगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है https://t.me/scapital/shahansa। यहाँ मिल जाएंगे आप मुझे, ये दे रखा है मैंने आपको लिंक, जो मैंने टाइप कर दिया है। मुझे वो पेस्ट वेस्ट करना नहीं आता, मैं बहुत सीधा बंदा हूँ। यहाँ पर आपको द इंग्लिश मॉन्स्टर के नाम से, द इंग्लिश मॉन्स्टर के नाम से आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा दोस्तों, सीधे क्वेश्चन में आऊँगा, आपको एक चैनल मिलेगा जहाँ पर एक राक्षस की फोटो होगी, क्योंकि इंग्लिश एक राक्षस ही है। दो नए चैनल है, वाईफाई लाइव टेस्ट और वाईफाई डिफेंस एग्जाम, इनको क्लियर करो, इनको सब्सक्राइब करो, इनको लिंक में, नोटिफिकेशन में अपने साथ रखो, ताकि कामयाब हो जाओ। और ये एनडीए का स्पेशल बैच जो कि शानदार चल रहा है, इसमें मैं आपको बता दूँ, जितने भी सब्सक्रिप्शन जिन लोगों ने दिए हैं, उनमें से 90% का सिलेक्शन होके रहेगा। ये मेरी चैलेंज है 90% का। एरर फाइंडिंग वॉल्यूम 2 में आइए सर, वॉल्यूम 2 सीरीज सेकेंड। अब आप बोलोगे वॉल्यूम 2 कैसे, तो 11 AM मॉर्निंग में वॉल्यूम 1 जा चुकी है। आपकी मर्जी हो तो पढ़ें, आपकी मर्जी हो तो जान दें, ठीक है। पढ़ना है, लेसन लेना है, लर्निंग लेनी है, एक एक चीज मैंने उसमें समझाई है। वॉल्यूम 1 देखना हो तो देख लेना, कहाँ का है ये आपको बता दूं, 11 AM पे एयरफोर्स का मेरा एक शेड्यूल है, खोज लेना, आपको मिल जाएगा। चैनल यही है, वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम, बाकी आपकी मर्जी, सुनील सर नाम है मेरा। चलिए आइए, द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक, तीन लोग हैं इसमें। एक तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, है ना, इटली, और एक IMF, दूसरा IMF एंड द वर्ल्ड बैंक keep send their experts to different regions of the world। ये अपने अपने विशेषज्ञों को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भेजते ही रहते हैं ये लोग। दोस्तों, वर्ब के बाद जब वर्ब चलती है तो सेम फॉर्म में नहीं चलती है, ये हमेशा ing फॉर्म में जाएगी, gerund फॉर्म में, keep sending, ठीक है। वर्ब वन सेम फॉर्म में एक के बाद एक कभी नहीं आएगी। ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है तो इतना बोल दीजिए कि ये गलत है। नीचे देख लीजिए, आई वॉन्ट लर्न फ्रेंच, ये गलत है। वॉन्ट और लर्न दोनों फर्स्ट फॉर्म में है, अब ये गलत हो गया, आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच। क्यों? क्योंकि दो वर्ब फर्स्ट फॉर्म एक साथ में नहीं जा सकती, या तो 2+1 में जाएगी। कीप के बाद हमेशा ing फॉर्म आती है, कीप, स्टॉप, लुक, इनके बाद हमेशा माइंड, प्रेफर, इनके बाद हमेशा ing फॉर्म आती है, ठीक है। वन ऑफ दीज डेज इसका मतलब ये प्रेजेंट है, आई एम गोइंग विल बी गोइंग गलत है, ये प्रेजेंट टेंस है। वन ऑफ दीज डेज आई एम गोइंग टू कन्फ्रंट यू, है ना, किसी न किसी दिन तेरी मेरी मुलाकात होने वाली है, आई एम गोइंग, सही, झगड़ा होने वाला है, लड़ाई होने वाली है, बी पार्ट में एरर है। दोस्तों, वन ऑफ दीज के साथ में हमेशा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म का यूज करना चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा। और भी कोई है आप पूछ सकते हो मुझसे, हाँ बिल्कुल है, नाउ के साथ, दीज डेज के साथ, प्रेजेंटली के साथ, है ना, एट दिस टाइम के साथ, ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूं ना, इनके साथ आपको हमेशा ing फॉर्म यूज करनी चाहिए, जमार के साथ, बी पार्ट में एरर है। दोस्तों, सुबह 11 बजे का सेशन आप जरूर देखें,
मुझे नहीं पता आपको कौन चला रहा, आप किसकी हुकूमत और किसके आप जिसको कहते हैं कमांड से चल रहे हो। बाकी मैं जो बोल रहा हूँ मुझे लगता है कि मैं बहुत सही पढ़ा रहा हूँ आपको, बाकी आपकी मर्जी है। हमने ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा देख लिया है, राइट। उम्मीद करता हूँ 1,000, 2,000, 5,000 लोगों को और गवर्नमेंट जॉब दिला दूँ और मैं सफल हो जाऊँगा, मुझे पता है। इट इज़ नेसेसरी दैट एवरीबडी मस्ट हैव अ हाउस। किस पार्ट में रह रहा कुछ तो आप भी बताइए, डिफेंस वालों 4 PM NDA बताओ आप। आप लोग GK पढ़ो है ना, आप लोग रीजनिंग पढ़ो, आप लोग रागा पढ़ो, आप लोग बॉयज लॉकर रूम पढ़ो, इजराइल पढ़ो, फिलीपींस पढ़ो है ना। आप लोग इंग्लिश कभी मत पढ़ना। इंसान किस चीज से भागता है? जो उसका नहीं हो सकता, जो उसकी नहीं हो सकती उसरे नजरे चुराता है। जिस चीज को पाने की हैसियत नहीं होती है हमारी, हम अक्सर उस चीज से दूर भागते हैं। इंग्लिश उसका बहुत बड़ा नमूना है। एक बार इसको अपनी महबूबा बना के देखो, अगर इसने तुम्हारे कदमों में जन्नत ला के न रख दी तो मेरा नाम सुनील सर नहीं। इट इज नेसेसरी दैट एवरीबडी, जब आप कहते हो इट इज नेसेसरी, इसका मतलब ये आपकी क्या है, राय है, एडवाइस है, इसका मतलब मस्त नहीं आएगा। ये आवश्यक है कि हर घर के आदमी के पास मकान होना चाहिए, चाहिए होना ही पड़ेगा, तो ये आतंकवाद है, होना ही पड़ेगा, कोई जबरदस्ती है, राय दो होना चाहिए, दैट्स इट। सी पार्ट में एरर है दोस्तों, यही मेरा तरीका पढ़ाने का, मुझे इसी तरीके से पढ़ाना आता है क्योंकि मैं ऑफलाइन का बंदा हूँ, ऑफलाइन का, और 30 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। CBSE के टॉप स्कूल में पढ़ाया मैंने, टॉप स्कूल्स में, थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम, जहाँ एक शब्द हम हिंदी का बोल दें तो 50 रुपया जुर्माना था। हम उस माहौल से निकल के आए हैं, फैंटास्टिक। द स्मॉल टेबल विल कॉलेप्स इफ यू विल, और द स्मॉल टेबल। तो ये तो है कि छोटी सी टेबल टूट जाएगी परिणाम, और यह है कि यदि तुमने इस पे पैर रखा, यह है इसकी शर्त। तो शर्त वाले हिस्से में विल नहीं आता है, विल या शैल, ये दोनों नहीं आते हैं। आपने क्या सुना, यहां देख लो आप, शर्त बराबर कंडीशन। मैं हर चीज ग्रामर में पढ़ा करके समझाता हूँ, और कंडीशनल बराबर फ्यूचर टेंस, यानी कि विल शैल का प्रयोग, विल शैल नहीं आएगा, सीधी वी वन आएगी, और एक वचन थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो ऐसिया ईएस आएगी। किस पार्ट में एरर है दोस्तों? इसके सी पार्ट में एरर है। शोभा आस्क्ड द डीलर व्हाट वाज द प्राइस ऑफ दैट बाइसाइकिल। Soba asked the dealer what was the price of the dealer of that bicycle and whether it is really made in India. अच्छा, Soba ने किसने पूछा? Second form में पूछा। ये B form किसकी है? Past की है। तो cycle की past, cycle का model, cycle की price और सब कुछ past form में है, तो cycle made in Germany भी past form में होगी। Whether it was really made in Germany, इसके किस part में error है दोस्तों? इसके D part में एरर है। ताली बजाओ एक बार सुनील सर के लिए, दिखा दो क्लैप करके। सब्सक्राइबर तो है नहीं, व्यूवर्स तो है नहीं चैनल पे, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, गौतम बुद्ध ने कहा था, नानक ने कहा था, कबीर ने कहा था, श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म किए जा फल की इच्छा मत रख। तुम जो कर रहे हो सही है। 7,000 लोग देख रहे हैं तो क्या हुआ, अगर 7 का सिलेक्शन नहीं हुआ और 70 लोग अगर देख रहे हैं और उसमें से 50 का सिलेक्शन हुआ तो क्या हुआ? वो हुई बात। आई केयर लिटिल ब्लडी। ही रिफ्यूज टू आंसर द क्वेश्चन डिस्पाइट द फैक्ट दैट हिज साइलेंस विल बी इंटरप्रिटेटेड एज गिल्ट। उसने सवाल का जवाब देने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उस इस चीज के बावजूद कि उसको यह पता था कि उसकी खामोशी जो है वो उसके कसूर को उचित ठहराएगी, फिर भी वो खामोश रहा। दोस्तों क्या होता है, ये रिफ्यूज्ड है, इसे हम वर्ब की पास्ट कहते हैं, और यहाँ पर है दैट। दैट भी क्या है दोस्तों? एक क्लॉज है, दैट क्लॉज है दोस्तों। तो ये वर्ब भी किस में जाएगी? पास्ट में। इज साइलेंस वुड बी इंटरप्रिटेटेड एज गिल्ट। सही जवाब है सी पार्ट में दोस्तों, एरर है। साधना वॉज द वन पर्सन हु कुड समहाउ मैनेज टू वर्क इन दैट, हु कुड समहाउ मैनेज टू वर्क। आगे जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैनेज दिया हुआ वर्क की फर्स्ट फॉर्म है,
आगे टू दिया हुआ है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, नहीं आएगी। कुछ केसेस में मैं कुछ केसेस में फर्स्ट फॉर्म के बाद में प्लस सीधी क्या आती है दोस्तों, सीधी जीरण भी आती है। अभी मैं आपको पिछले कई क्वेश्चन में बता के गया हूँ, इसमें नहीं आएगी, है ना, इसमें नहीं आएगी। इसमें वर्फ की प्लस फॉर्म के बाद में टू प्लस वी वन आएगी, टू वर्क। सही जवाब है दोस्तों, सी पार्ट में एरर है। When we consider all the factors which are many, the number of school dropouts are quite disturbing. The number of school dropouts are quite disturbing. हम जब सारे आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हमें बहुत दुख होता है कि स्कूल ड्रॉपआउट्स की संख्या दिन पर दिन बहुत सताने वाली है, परेशान करने वाली है। दोस्तों याद रखें, इंग्लिश में दो चीज होती है, एक तो द नंबर ऑफ और दूसरी ए नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ की वर्ब जो है वो हमेशा क्या होती है दोस्तों, द नंबर ऑफ की वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, और ए नंबर ऑफ से जो शुरू होते हैं, ये वाला लिख देता हूं आपको अलग से, ए नंबर ऑफ, मेरे को आता है पैटर्न बनाना, ए नंबर ऑफ की वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। तो यहां पे द नंबर ऑफ दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों यहां कलर चेंज करूंगा क्योंकि व्हाइट की खिचड़ी बन गई है। यहां पर हम लगाएंगे द नंबर ऑफ स्कूल और यहां लगाएंगे हम इच। क्या लगाएंगे दोस्तों, इच, ये वर्ब सिंगुलर होगी। सही जवाब है दोस्तों, सी पार्ट में एरर है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज, द नंबर ऑफ स्कूल ड्रॉपआउट्स इज, द नंबर ऑफ बुक्स इज, द नंबर ऑफ की वर्ब आगे हमेशा सिंगुलर होती है। राइट, वापस व्हाइट में आ जाते हैं, अपने फेवरेट कलर में। इवनिंग सेशन देख रहे हैं आप एनडीए का सुनील सर के साथ, एक बहुत ही रोमांटिक और एक बहुत ही यूजफुल सेशन लेके आया हूं आपके पास। द लेक्चर टू बी हेल्ड इन द ऑडिटोरियम टुमारो, द लेक्चर और टू बी हेल्ड का मतलब होगा कब, आने वाले कल, जो आने वाले कल लेक्चर होने वाला है वो पब्लिक के लिए ओपन था, नहीं वो पब्लिक के लिए ओपन है दोस्तों। अगला सीक्वेंस जब फ्यूचर टेंस में रहेगा तो पीछे आप पास्ट टेंस का प्रयोग नहीं कर सकते। सही जवाब है सी, इज का प्रयोग किया जाएगा, वॉच का प्रयोग नहीं होगा, वॉच ओपन नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे इज ओपन होगा। आइए, व्हाइल प्रोसीडिंग ऑन लीव ही हैड कमिटेड दैट ही वुड बी रिज्यूम्ड आफ्टर टू डेज। दोस्तों याद है आपको मैंने पैसिव वॉइस क्यों पढ़ाया था, ये क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है। पैसिव वॉइस में अगर बी लगा है इसका मतलब इंसान, और इंसान रिज्यूम्ड हो नहीं सकता, कभी भी इंसान को रिज्यूम नहीं कर सकते आप। इसका मतलब है वो खुद रिज्यूम होगा, वो खुद, और वो खुद होगा तो इसका मतलब क्या है, एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस तो बी हटेगा, बी हटेगा तो दोस्तों क्या होगा पता आपको, ईडी भी हट जाएगा, डी हट जाएगा। सही जवाब है ही वुड, डी हटा दो, ही वुड रिज्यूम, ये फर्स्ट फॉर्म में आएगी दोस्तों वुड के साथ, क्योंकि वाक्य किस में है दोस्तों, वाक्य एक्टिव वॉइस में है। इंसान कभी रिज्यूम नहीं हो सकते, अगर ये इंसान की जगह ऐसी चीजें होती जिसको इंसान रिज्यूम करता, जैसे आप देखो द लेसन्स विल बी, अब आप रिज्यूम्ड कर सकते हो क्योंकि इंसान करेंगे इसको, तो लेसन खुद ब खुद रिज्यूम नहीं होंगे कि कोई और करेगा, और कोई और करेगा तो वाक्य क्या होगा, पैसिव होगा। लेकिन मगर आपको ये कहूं कि मैं शुरू करूंगा लेसन, आई शैल, तो मुझे रिज्यूम ही करना पड़ेगा, मैं खुद को बी फॉर्म में नहीं ले जा सकता कि मुझे शुरू किया जाएगा, तो ये एक्टिव वॉइस है दोस्तों, एक्टिव वॉइस। अब इसका सही जवाब क्या हुआ दोस्तों, यहां लिख देता हूं साइड में इसका सही जवाब, इसका सही जवाब क्या है? आंसर यहां देख लो, सी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। कॉफी सीड्स बीइंग ड्राइड एंड रोस्टेड दे आर ग्राउंड इनटू पाउडर, ये बता दो एनडीए सीडीएस एसएसबी एफकैट सीपीओ सीएपीएफ एयरफोर्स नेवी आईबी, मां की कसम खा के कह रहा हूं सब क्लियर करवा दूंगा, आईबी लास्ट सब क्लियर करवा दूंगा, बोलो ये करके दिखा दो, जो एक कर लेगा
उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ रोक ले उसको। बताओ, कॉफी इज बीइंग ग्राइंड और सेट देयर ग्राउंड इनटू पाउडर, नो एरर, कोई कमेंट नहीं। आपकी तन्हाई, आपकी खामोशी बता रही है कि आपको अनअकैडमी पे आना बहुत जरूरी है, जब ग्रामर के बेसिक लेसन चलते हैं, राइट। ख्वाब बड़े बड़े पाल लिए हैं, सपने करोड़ों के, और पास में फूटी कौड़ी नहीं है, और लेसन और नहीं देखते हो। लव यू बॉयज, लव यू गर्ल्स, थैंक यू। आगे चलो, ये नहीं बताऊंगा अभी, आगे बताऊंगा। इफ देयर हैड बीन नो न्यू थिंकिंग, इफ देयर हैड बीन नो न्यू थिंकिंग, लाइफ वुड फॉलो, लाइफ वुड फॉलो। ये वुड प्लस वी वन की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये किस में जा रहा है, सिंपल में जा रहा है। अगर ये सिंपल में जा रहा है तो परफेक्ट में नहीं जाएगा। दोस्तों याद है आपको, हम डायरेक्ट इंडाइट में मास्टर जी पढ़ाते थे, इसका वॉच कर देंगे और वॉच का हेड बिन कर देंगे। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, कलर चेंज करता हूं मार्कर का, आपको बता दूं इसका वॉच और वॉच का हेड बिन क्यों होता है, बताओ आप में से कोई। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस जो है वो हमेशा वर्क की फर्स्ट फॉर्म है, वॉच हमेशा वर्क की सेकंड फॉर्म है, हेड बिन हमेशा वर्क की थर्ड फॉर्म है, इस पैटर्न के हिसाब से। तो जहां पर दोस्तों, यहां देखो आप, जहां पर आपको वुड प्लस फॉलो मिल रहा है, इसका मतलब ये अगर पास्ट सिंपल पैटर्न में है तो ये परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट है अभी तक ये परफेक्ट है। इसे किस में जाना चाहिए, सिंपल पास्ट में जाना चाहिए, इफ देयर वॉच, ये हटा दीजिए। अब आप बोलोगे सर हैड बीन कब होता, हैड बीन तब होता जब यहां भी हैव होता और यहां भी ईडी होता, वुड हैव फॉलोड, तब हम कहते कि ये हिस्सा भी क्या है दोस्तों, परफेक्ट है, ये हिस्सा परफेक्ट है, तो आंसर भी हमारा परफेक्ट है। पर चूंकि ये नहीं था, ये नहीं था, इसलिए हमने किसका प्रयोग कर दिया, वॉच का, और आंसर में सही जवाब क्या आ गया दोस्तों बताइए, आंसर हमारा सही जवाब आ गया, ए पार्ट में एरर है। माई फादर डिड नॉट हर्ड फ्रॉम माई ब्रदर हु इज, दोस्तों ये क्या है, हु इज अब्रॉड, जो बाहर है विदेश में फॉर ओवर अ मंथ, एक महीने से, तो जो मेरे भैया जो एक महीने से, और ये रहा इधर देखिए आप, मेरा छोटा भाई जो एक महीने से बाहर है, मेरे पापा ने उसके बारे में कोई न्यूज नहीं मिली है, तो हर्ड जो है थर्ड फॉर्म में है, तो सेकेंड फॉर्म में होना चाहिए इसको, डिड नॉट हियर। अब आप हियर कर दोगे तो क्या होगा पता है, ये पास्ट और ये प्रेजेंट रह जाएगा। कुछ ऐसा करो कि ये थर्ड बन जाए, क्योंकि थर्ड रहने से प्रेजेंट रह सकता है, और ये भी क्या है, ये भी प्रेजेंट है, तो ऐसा करो कि इसको आप प्रेजेंट वर्ब पे कन्वर्ट कर दो। मेरे पापा को कोई समाचार नहीं मिला, हैज नॉट हर्ड का मतलब समाचार मिलना। माई फादर हैज नॉट हर्ड फ्रॉम माई यंगर ब्रदर हु इज अब्रॉड फॉर ओवर अ मंथ, तो ये आपका सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों, बिल्कुल सही हो गया, दोनों तरफ प्रेजेंट हो गया, तो सही जवाब है। किस पार्ट में एरर है दोस्तों, उत्तर ए पार्ट में एरर है, हर्ड आपके थर्ड फॉर्म में एकदम सही रह गया। व्हाइल गोइंग थ्रू द रिपोर्ट यस्टरडे आई फाइंड सेवरल मिस्टेक्स, फैक्चुअल मिस्टेक्स, अरे यार इसको कोई नहीं कर पाया ना, तो वो एक काम करे, हल जोत ले, खेती कर ले, तरबूज, मक्का, ककड़ी, लौकी, कद्दू उगा ले। कसम खा के कह रहा हूं, झूठ नहीं कह रहा हूं, खेती कर ले, मजदूरी कर ले, सड़क पर नेशनल हाईवे पर गिट्टी बिछाने का काम कर ले, किसी बाग से नारियल तोड़ ले, आम अमरूद तोड़ने का ठेका ले ले, रोजगार कोई और ढूंढ ले, अफसर नहीं बन सकता, न सरकारी कर्मचारी बन सकता। अगर तीसवां क्वेश्चन किसी को नहीं आया, लिख के ले जाओ, मेरी जितनी बुराई करनी है कर दो, डंके की चोट पे कहूंगा। जब मास्टर ने छड़ी अलग कर दी, बच्चों को डांटना बंद कर दिया, तो शिक्षा शून्य हो गई। शिक्षा वो थी जो हम लेके आए हैं, जहां मास्टर जी बात बात पे डांटते फटकारते थे, और हमने पूरी इंग्लिश को स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया। पूरी रामलीला इंग्लिश में खिला दूं, पूरी महाभारत इंग्लिश में लिख के दिखा दूं, मां की कसम खा के कह रहा हूं। चलिए इस पार्ट में एरर है। While going through the report yesterday, बीते कल जब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो मैं पाता हूं नहीं, बीते कल में मैंने पाया कि इसमें बहुत सी मिस्टेक थी, सेकेंड फॉर्म में आएगी वर्ब में,
क्योंकि घटना बीते कल की है, पास्ट की घटना है दोस्तों। मुझ पर नाराज मत होना, और नाराज हो तो तुम अपने माँ बाप का अपमान करोगे। मेरी बात से अगर तुम्हारे दिल को चोट पहुंचती है, इसका मतलब तुमने मेरा नहीं अपने माता पिता का दिल दुखाया है, क्योंकि मैं उन 25-26 साल के लड़कों की तरह नहीं हूं जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पे जो आपको पढ़ा रहे हैं उनसे बड़ी तो मेरे घर पे औलाद है, क्या पढ़ाएंगे वो कल के। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सी पार्ट मेरर है, द मीटिंग एब्रप्टली एडजॉइंड बाय द चेयरमैन आफ्टर अबाउट 3 आवर्स ऑफ डिलीबरेशन। चलिए एक छोटी सी बात करना चाहूंगा आपसे दोस्तों, अगर आप मेरा इशारा समझ गए मैं क्या बात करना चाहता हूं। उत्तर यहां पे आइए, मैंने आपको पैसिव वॉइस क्यों पढ़ाया? आपको लगा मैंने आपको पैसिव क्यों पढ़ाया? दो दिन, अभी एक दिन पहले मैंने आपको पैसिव वॉइस पढ़ाया था, आपको लगा कि पैसिव वॉइस क्यों पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं? ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन पैसिव वॉइस का, आप कुछ नहीं कर सकते। बाई द चेयरमैन, बाई के बाद इस कार्य का कर्ता, बाई के बाद इस वाक्य का कर्ता यानी कि सब्जेक्ट है। इसका मतलब है भंग मीटिंग हुई है, मीटिंग आकस्मिक रूप से स्थगित हो गई। भंग किसने किया? चेयरमैन ने। तो मीटिंग अपने आप नहीं हुई, तो ये वर्ब किस में जाएगी? पैसिव में जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि पीछे जब बाई होता है, बाई इसका मतलब करने वाला कोई और है। आप इसको पास्ट टेंस में वॉज दे, मीटिंग वॉज एडजॉइंड, यहां पे ये पैसिव में वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, डायरेक्ट थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि नहीं तो वाक्य पैसिव बनेगा नहीं, और ये पैसिव का ही एग्जांपल था। थैंक यू, अब पता चला होगा आपको। इफ द स्ट्रीट्स वुड हैव बीन क्लियरली मार्क्ड इट वुड नॉट हैव टेकन सो लॉन्ग टू फाइंड द हाउस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, करना चाहो तो। अगर सड़क पर स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश चिन्हित होते तो हमें मकान को तलाशने में इतनी समय नहीं लगती हो, समय ज्यादा लग गई, समय ज्यादा लग गया। और ऊपर क्या कह रहा है? यदि दोस्तों, इफ से वाक्य शुरू हुआ है, इसका मतलब ये शर्त है दोस्तों। शर्त में कभी भी वुड हैव नहीं आता है, शर्त का पास्ट टेंस परफेक्ट टेंस में हमेशा हैड से बनता है, हैड प्लस ये थर्ड फॉर्म है बिन की, नहीं ये हेल्पिंग वर्ब है, यहां ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब ये है थर्ड फॉर्म। बिन खुद भी थर्ड फॉर्म होती है, चैलेंज के साथ कहता हूं, बिन खुद भी थर्ड फॉर्म होती है जिसका अर्थ है होकर आना, लेकिन यहां पर ये थर्ड फॉर्म ये है। हैड बिन मार्क क्लियरली, तब ये सही है, इट वुड नॉट हैव टेकन। या दूसरे शब्दों में, दूसरों शब्दों में सुनो ध्यान से दोस्तों, मैं क्या बोलना चाहता हूं, वुड हैव टेकन और ऊपर भी क्या है, वुड हैव प्लस मार्क, तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। नीचे देख लीजिए, यहां लिख देता हूं, इफ के किसी भी क्वेश्चन में दो बार वुड हैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं हो सकता, दो बार वुड हैव नहीं हो सकता। इसका मतलब, इसका मतलब इफ वाले हिस्से में क्या होगा, इफ वाले हिस्से में हैड प्लस कहीं ना कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसका मतलब है इसके किस पार्ट में एरर है दोस्तों? दोस्तों इसके ए पार्ट में एरर है, वुड हैव हटा दीजिए, खत्म खेल। अब आपको पता चला मैंने क्यों बताया आपको, एक क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया क्या, कोई भी सारे बता दिए, सी ए सी बी, इसका आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर बताया होगा, कीप सेंडिंग, ये रहा ना इसका आंसर बी, कोई नहीं आया तो बता दीजिए, सी सी डी सी 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 सी, इसमें क्या है, ये नहीं बताया मैंने, मैंने कहा ना एक क्वेश्चन ऐसा जो मैंने आपको नहीं बताया। अब बताइए दोस्तों इसमें क्या गलती है, अब तो बता सकते हो आप, चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने लिखा होगा, मैंने कहा था एनडीए सीडीएस एसएसबी एफकेट सीपीओ सीएपीएफ एयरफोर्स नेवी आईबी सब क्लियर करवा दूंगा। दोस्तों ध्यान से सुनना, कॉफी के बीज बींग वर्ब से ड्राई किए गए हैं, बींग वर्ब से रोस्टेड किए हैं, इसका मतलब इसमें मेन वर्ब नहीं है, अभी तक मेन वर्ब नहीं है, और अगर मेन वर्ब नहीं है इसका मतलब, इसका मतलब पीसे जाते हैं, आर ग्राउंड पैसिव वॉइस है दोस्तों, ये ग्राइंड जो है वर्ब मेन वर्ब में पीसना उसका फर्स्ट फॉर्म है, इसका ये क्या है आर ग्राउंड मने पीसना का, पीसे जाते हैं कॉफी के बीज सुखाए और
पकाए जाते हैं और फिर उनको पाउडर के रूप में पीसा जाता है। तो दोस्तों आगे सुनो क्या हुआ है, ऊपर चलो मेरे साथ। ये यहां पर कॉफी है, ये इसका क्या है, सब्जेक्ट है, किसका, ड्राइड एंड रोस्टेड का। तो ये ग्राउंड और पीसे भी कॉफी गई है, इसलिए ये प्रोनाउन नहीं आएगा। कभी भी प्रोनाउन नहीं आता जब बींग वर्ब पीछे आती है, तो अंदर प्रोनाउन नहीं आता है। कॉफी सीड्स बींग ड्राइड एंड रोस्टेड, सीधा बोलोगे आर ग्राउंड इनटू पाउडर, दो बार सब्जेक्ट नहीं आएगा। देखिए क्या होता है, कॉफी सीड्स क्या है, कॉफी सीड्स क्या है, नाउन है, और दे क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन वर्ब क्या है, मेन वर्ब, जिसको आप फाइनाइट वर्ब बोलते हो। फाइनाइट वर्ब एक ही है, पीसे जाते हैं, ये वाली। तो अगर पीसे जाते हैं वाली फाइनाइट वर्ब है, तो एक फाइनाइट वर्ब का एक ही सब्जेक्ट हो सकता है, दो सब्जेक्ट नहीं हो सकते। दे हटा दो, सी पार्ट में एरर है दोस्तों। ठीक है, दिल्ली रहो चाहे इलाहाबाद रहो, खुश रहो आबाद रहो, डांटता हूं फटकारता हूं लेकिन मेहनत करता हूं। किसी भी चैनल के, किसी भी यूट्यूब के, किसी भी स्कॉलर के, एजुकेटर के वीडियो को उठा के देख लो, अगर इतना ज्यादा समझाने का इस्तेमाल मार्कर का किया होगा, मैं यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा। मेरे पास और भी बहुत से धंधे हैं। थैंक यू वेरी मच, अलविदा। रात 9 बजे वॉल्यूम 3 जरूर देखें, मैंने आपको पहले ही कहा था, बाकी आपकी मर्जी है। आप आओ तो, ये वॉल्यूम 2 है दोस्तों, है ना, ये वॉल्यूम 2 है, अब आपको वॉल्यूम 3 देखना है। कौन सा वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम 3 मेरे साथ, ठीक है। रात 9 बजे आ जाना CDS की क्लास में, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल मीटिंग, सो नाइस ऑफ यू।